इस वर्ष जिला मंडी में भारी बारिश की वजह से काफ़ी तबाही हुई है और बागवानी का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। जो बागवानी विभाग ने पहली अगस्त तक की जो आकलन किया है ये भारी बरसात के मद्देनज़र, तो उसमें हमारे बागवानों को तकरीबन 10 करोड़ 84 लाख की हानि का आकलन किया गया है। साथ ही में 11,713 बागवान जो हैं इससे प्रभावित हुए और लगभग 3400 हेक्टेयर का क्षेत्रफल जो है वो इसमें प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी प्राकृतिक आपदा जुलाई 9, 10 और 11 को आई थी उसमें सर्वाधिक नुकसान हमारे बागवानों को हुआ और जो कि उसका लगभग आकलन जो है वो 6.84 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही हमारे जो बागवानी विभाग के अधीन हमारे फल संतति उद्यान आते हैं उनमें भी तकरीबन 12 लाख का नुकसान हुआ और धर्मपुर क्षेत्र में एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है जिसमें लगभग 1 करोड़ 35 लाख का नुकसान का आकलन किया गया है। तो इसमें ज़्यादातर क्या हुआ है कि इस बार की जो बारिशें हैं उन्होंने ज़मीन को बहा दिया है और कई जगह वृक्ष भी उखड़ गए हैं और क्योंकि फलों से लदे हुए वृक्ष थे तो इसकी वजह से लोगों को जो नुकसान है वो ज़्यादा हुआ। मैं बागवानी विभाग की तरफ से हमने ये जो आकलन की रिपोर्ट है संपूर्ण आकलन जो हमने किया है ये हमने अपने निदेशालय स्तर पर और डीसी महोदय को प्रेषित कर दी है और साथ ही में जो IMCT की टीम केंद्र सरकार की टीम आई थी उनके सामने भी इसकी प्रेजेंटेशन दे दी गई है। भविष्य में सरकार जो भी निर्धारित करेगी इसके मुआवजे NDRF और SDRF रिलीफ फंड के तहत जो भी उनके मापदंडों के अनुसार जो भी मुआवजा या बागवानों को राहत पहुंचाने का कार्य होगा वो विभाग इस कार्य को तेज़ी से करेगा। ये मैं समस्त बागवानों को जिला मंडी के बागवानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। बागवानी विभाग संकट की इस घड़ी में अपने प्रत्येक बागवान के साथ खड़ा है और जो भी विभागीय मदद उनको अपेक्षित होगी विभाग उनको तत्परता से करेगा।